हरदोई विधानसभा सीट पर। अगर इस सीट के सियासी गणित को आप समझें तो नरेश अग्रवाल और अग्रवाल परिवार का ही कब्जा रहा है। मौजूदा समय में नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल यहां से विधायक हैं, लेकिन यहां की जनता का क्या है मूड, चलिए उनके बीच पहुंचते हैं और समझते हैं। हम अखिलेश को वोट देंगे। परिवर्तन चाहते? हाँ, हर साल बदलना चाहिए। सरकार तो हमारे हिसाब से नहीं सही है, रोजगार में बहुत पीछे है। फिर कौन आना चाहिए? अब ये अब जनता तय करेगी कौन आना चाहिए। वोट तो आप भी देते होंगे? बिल्कुल देते हैं। किसको देंगे वोट? ये हमारा वोट बीएसपी को जाएगा। कह नहीं सकते, कैंडिडेट के ऊपर है, फिर जैसा कैंडिडेट आता है विधानसभा का। मौजूदा जो यहाँ पर विधायक है उनको लेकर क्या राय है? उनके बारे में तो कुछ खास नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी विकास नहीं रहा। अभी सोचा नहीं, वो तो टाइम आएगा तभी सोचेंगे। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती भी हो, अखिलेश हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जो भी अच्छा लगेगा जब देखेंगे, टाइम आने पे ही करेंगे। काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है यही, और बाकी रोजगार में तो लगे ही सब। तो 2-3 महीने बचे हैं बस, मूड क्या बन रहा है? अब मूड अभी कुछ नहीं बन रहा है, अभी जब वक्त आएगा जब सोचा रहेगा। 2022 का मूड तो है, सरकार आने वाली है। किसकी? बीजेपी की ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि यह बहुत से काम किए हैं। देख गिनाइए कुछ काम। काम जैसे कि अभी वृद्धा पेंशन है और भी नए नए काम किए हैं। अभी जैसे कि अभी किसानों का पैसा आता है 2000 रुपये, वो भी आया, और फ्री में राशन मिल रहा है सभी। राशन मिलता है आपको? हमें भी मिलता है। हरदोई विधानसभा सीट वैसे तो अग्रवाल परिवार के नाम से ही जाना जाता है। 1980 से लेकर अब तक इस सीट पर नरेश अग्रवाल का कब्जा रहा है। 2017 में अगर आप अग्रवाल फैक्टर को समझिए तो 2017 में मोदी लहर होने के बावजूद भी यहां से समाजवादी पार्टी से नितिन अग्रवाल, जो कि नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। सब काम अच्छे हो रहे हैं, सब चीज, इसीलिए परिवर्तन नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव नहीं, ये इतना ही बदलाव है क्योंकि हमारे यहाँ की रोड सब खराब थी, वो सब सही हो गई, इसीलिए। तो महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है, लोग आते हैं यहाँ पर? सबसे ज्यादा आ रहे हैं, पहले से अपेक्षा ज्यादा आ रहे हैं। अभी घर पे पता करेंगे, जो जहाँ बताएंगे वहाँ। आप खुद के मन से वोट नहीं देती? घर वाले जहाँ बताएंगे। आप महिला हैं, आपका खुद का अधिकार है मत देने का, तो अपने विचार से बताइए किसको वोट देंगे इस बार? जब घर पे, अब हम ऐसे क्या बताएं, जब घर पे जो है सब मशीरा होएगा तब जो है दिया जाएगा। जो बाबा ने किया वो किसको कर ही नहीं पाया। बाबा ने क्या किया, गिना दीजिए फिर काम। देखिए जितने भी पुराने मुद्दे थे भाजपा सरकार में हल हुए, जैसे 356 है मंदिर मुद्दा, काशी 370 356 धारा है, ये सब भाजपा शासन में जो बरसों से पड़े हुए थे वो सब मुद्दे हल हो गए। मोदी बाबा, जय जय सियाराम। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। क्यों? क्यों? बीजेपी ने किसी साथ कोई भेदभाव नहीं किया।